हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, और मेरे प्यार मापुश प्यार भरी धन निरंकार। और सुनाइए, आप लोग कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे, और बढ़िया होने भी चाहिए फ्रेंड्स। और ये मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे डॉग पी रहा है दूध। ये गली का ही है, हमारे तीन चार ऐसे कुत्ते हैं गली में, और ये कभी कभी आ जाता है तो हस्बैंड इसको दूध डाल देते हैं। तो बस यही वही दूध पी रहा है। और ये कचरा आपको बाहर दिख रहा है, जो हमारे अंदर मीटर वगैरह लगे थे पानी के, मैंने आपको दिखाए थे, ये उसी की मिट्टी है। तो इनको कचरे वाले ही लेकर जाएंगे, वो अभी आए नहीं हैं। सारी गली में ऐसे ही पड़े हुए हैं ये, जगह जगह ढेर। तो यहाँ पर ये डोकी पी रहा है दूध, और एक वफ़ादार जानवर जो कि इंसान से ज़्यादा वफ़ादार है। आपको पता ही है मुझे बहुत शौक़ है डॉग रखने का, रमन को भी, बट हम इसे नहीं रखते हैं क्योंकि हस्बैंड कहते हैं एक प्रॉपर केयर चाहिए इनको, टाइम चाहिए, वो हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर बिन बोले जानवर को क्यों परेशान करना है। इसलिए नहीं रखते हैं, क्योंकि वॉक पर लेकर जाना इनको टाइम पर, और काफ़ी कुछ होता है घर पर इनको रखने का, रखने से काफ़ी थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, तो इसलिए हम नहीं रखते हैं। वैसे बहुत शौक़ है, रमन कहता है जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं लूँगा। रमन को बहुत ही पसंद है डॉग, और हमने अपने मायके में रखा हुआ था फ्रेंड्स, बट इन लॉज में मैंने बताया कि इसे हस्बैंड कहते हैं प्रॉपर टाइम नहीं है, तो इनको नहीं रख सकते हैं। और इसके दूध पीने के बाद मैं और रमन चले गए थे 19 की मार्केट में। ये देखिए, हम आ गए हैं 19 की मार्केट में फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ लेना था हमको। आने वाली कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैं इतना बिज़ी क्यों हूँ, वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ प्रॉपर, इसका एक रीज़न है। कुछ टाइम बाद मैं आपसे वो शेयर करूँगी वो भी। तो बस यहाँ पर हम कुछ लेने आए थे, और जल्दी जल्दी हमने शॉपिंग की और हम चले गए थे घर, क्योंकि दक्ष भी आया हुआ है घर पर, तो मैं आपको उससे भी मिलाऊंगी। ठंड चली गई है फिर भी, ये जैसे ऑफ लग जाता है विंटर जाते हैं, चली नहीं गई अभी, सुबह शाम थोड़ी बहुत लगती है, ज़्यादा नहीं। तो काफ़ी ऑफ लगे हुए थे मार्केट में, काफ़ी कुछ सस्ता भी लगा हुआ था। तो बस रमन और मैं आए थे, और हमने जल्दी जल्दी सामान लिया और हम वापस चले गए थे। मॉर्निंग का ही टाइम है, अभी इतना क्राउड नहीं है, शॉप्स खुल रही थी, आप देख सकते हो अभी झाड़ू भी लग रहे हैं कहीं कहीं। तो बस मैं और रमन मार्केट से शॉपिंग कर कर चले गए थे घर, और घर पर आया हुआ था दक्ष, जो कि आप मेरी वीडियो में काफ़ी बार देख चुके हैं। तो चलो आपसे मिलाती हूँ दक्ष को, और उसकी बातें सुनाती हूँ आपको। मम कहाँ जाना पुत्र? पार्क में। क्या करना बोलो? पार्क में जाना, अंदर खेलन दे थे बेड़े चप्पा। क्या करना भैया के पास जाना? चल रहा नहीं, अभी चल रहा। और आप सुन सकते हो ये कैसे बोल रहे, इसको पार्क पे जाने के लगी है। रमन पार्क में गया है, तो इसको भी है कि मेरे को जाना है। डर लगता है स्विंग्स पे, क्योंकि गिर ना जाए, इधर उधर भागता है, बहुत तेज़ सुनता नहीं है, तो फिर ये रोने लग गया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं लेकर चलती हूँ, और वो मेरी सिस्टर इन्ला बैठी हुई है। तो मैं और दक्ष आ गए हैं यहाँ पार्क में, और पार्क में भी अभी कोई नहीं है। और ये देख सकते हो आप दक्ष को कैसे झूठे ले रहा है, बच्चे अभी आने शुरू हुए थे, इतने बच्चे नहीं थे, और धीरे धीरे काफ़ी आ गए थे। तो यहाँ पर इधर उधर भाग रहा था, जहाँ पर भी इसको दो चार बच्चे दिख रहे थे, कभी किसी से कभी किसी से कुछ ना कुछ बातें। दक्ष बहुत एक्टिव है, हर किसी से बातें करने लग जाता है जल्दी से। वो देखो ये जानते भी नहीं है, उनसे लगा हुआ है दीदी दीदी करने। और रमन यहाँ पर है, रमन के दो तीन दोस्त भी है यहाँ पर, तो रमन उनके साथ लगा हुआ है। तो दक्ष कभी इधर भाग रहा बच्चों को देख रहे, देखिए रमन है, और रमन उसको लेकर आ रहा है कि कहीं इधर उधर गिर मत जाना। तो रमन के साथ साथ वो लगा हुआ है, और रमन को ध्यान रख रहा है कि कहीं झूले पर गिर ना जाए, कहीं ना चढ़े। और उसको मैं कह रही हूँ छोटे झूले पर चढ़ना है, तो वो बड़े पर जाता है, फिर छोटे पर आ जाता है, और बस ऐसे ही भाग रहा था इधर उधर। और रमन खेल रहा था पकड़ाई अपने दोस्तों के साथ, और दक्ष लगा हुआ था इधर उधर देखने की ये क्या हो रहा है, बच्चे आ रहे हैं। एक्चुअली जहाँ दक्ष रहता है वहाँ पर इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, और इनके घर के पास पार्क भी नहीं है, दूर है। तो फिर दक्ष यहाँ पर बहुत खुश होता है। और यहाँ पर हम आ गए हैं घर के अंदर, और यहाँ पर भी दक्ष पार्क की बातें ही कर रहा है। और चलो मैं इसकी थोड़ी सी बातें आपको सुनाती हूँ, और फिर आपके साथ चलूँगी किचन में। ये बहुत प्यारी प्यारी बातें करते हैं, तो सुनिए आप ये अब क्या बोल रहा है मेरे साथ, यहाँ पर क्या बातें कर रहा है। अभी फिर ट्रिंडी फूट जाएगी। पार्क जाना, क्या करना पार्क जाके, क्या लेना दक्ष पार्क जाके?
झूले में तो गिर जाएंगे। नहीं गिर जाते, नीचे गिर जाएंगे, सट बज जाएगी, फिर यहाँ पे हाई हो जाएगी सिम में, हो जाती है, या आईज में भी हो सकती है हाई, नहीं होती, हो जाती है, हेड पे भी हो जाती है, आईज में भी हो जाती है, नहीं होती है, नहीं होती, नहीं होते, हो जाती है, सारे करे दक्ष गंदा बेबी, गंदा बेबी, गंदा बेबी है, तो गंदा बेबी, नहीं दक्षी को कह रहे हैं, क्योंकि कहना नहीं मान रहा, तुम क्या होता है? अभी मैंने बोला आप बोलना, फिर बोल रहे तू, और यहाँ पर ये फिर आगे जा रहा है, आगे कुंडी लगी है, इसको एक ही पार्क में जाना है, इसको सारा दिन पार्क में रखो, ये भी रमन की तरह ही करता है, और इसको बहुत क्रेज़ है, यहाँ पर बच्चों को देखकर ये बहुत ही खुश होता है, और रमन को कह रहा है चलो भैया, तो रमन कह रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा, तो ये नटखटपन इसका चलता ही रहेगा फ्रेंड्स। तो मैं चलती हूँ आपको लेकर किचन में। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ मैं किचन में, और मैं बना रही हूँ आज बूंदी मटर और आलू प्याज की सब्जी। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया, इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, हींग जीरा सिंपल ही लूँगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी होनी शुरू हो चुकी है, तो इसमें मैंने प्याज मटर और हरी मिर्च है, और साथ में थोड़े से आलू है, तो मैं इसमें प्याज डालूँगी फ्रेंड्स, और साथ में मटर भी, जब कोई भी सब्ज़ी खाने का मन नहीं हो होता है मेरा, तो मैं ये सब्ज़ी बनाना पसंद करती हूँ। जो कि थोड़ा टेस्ट ले आती है मुँह में, और वैसे भी टेस्टी होती है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, रेसिपी शेयर की है, आप लोगों ने पता नहीं बनाई कि नहीं बनाई, बट जिन्होंने बनाई होगी तो उनको पता होगी वो तो यही बनती है। वैसे मैं प्याज भी डालती हूँ, आलू भी डालती हूँ, बता मैंने मटर भी डाले हैं, और प्याज भी और आलू भी, तीनों चीज़ें हैं, तो मैं इसका धोने लूँगी, और ये दो छोटे छोटे आलू काटे हैं मैंने तेल से, वो तो ये दो काटे हैं बिल्कुल बारीक बारीक, आप देख सकते हो, जो कि जल्दी हो जाएंगे भाप में, ये अभी नहीं डालूँगी, मटर डाल दी है ताकि मटर हो जाएँ, भून जाएँगे थोड़ा तेल आ जाएगा फ्रेंड्स में सच में, और एक टमाटर लिया छोटू सा, जिसमें नमक है, मिर्च और हल्दी है, मैं थोड़ी सी ही डाली है बस कलर के लिए, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है दो तीन, यहाँ पर प्याज थोड़े हो गए हैं ब्राउन, ज़्यादा नहीं करूँगी, सब में डाल दूंगी टमाटर, इसको मैं ऐसे भर दूंगी ताकि भाप में मैं हो जाएँ, क्योंकि मटर वगैरह डाल रहे हैं तो फिर थोड़ा वो भी खींच जाएंगे, इस करके मैं इसको ऐसे ढक दिया मैंने ताकि ये इसमें अपने आप ही हो जाएंगे, एक मिनट बाद मैं देखती हूँ, और साथ में आटा गूंद रही हूँ मैं, इसको भी मुक्की लगानी है जब तक ये हो जाए। यहाँ पर ये देखिए हमारे टमाटर हो गए हैं फ्रेंड्स, और आप देखते होंगे मेरे हाथ में हमेशा यही कढ़ाई उठाती हूँ मैं, दूसरी नहीं उठाती हूँ, बड़ी लगती है मेरे को। अभी मेरे पास एक दो तीन कढ़ाइयाँ और हैं फ्रेंड्स, फिर भी मैं इसी को ही उठाती हूँ, पता नहीं मेरा हाथ इसी पे ही चलता है, एक तो ओपड़ी है ऊपर, और एक नॉनस्टिक की आपने मेरे इसमें देखी है वीडियो में, और एक कढ़ाई हो रहा है मेरे पास सिल्वर की, बट होता है ना कि वन हमें जो सूट पसंद होता है हम उसको ही बार बार डालते हैं, चाहे जितने भी कड़े हों, और मैं तो कहता हूँ मेरे हाथ में ये कढ़ाई लगती है और मैं इसी को यूज़ करती हूँ बार बार। तो जो हमारे टमाटर हो चुके हैं मैं इसमें डाल दूँगी आलू, पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी फ्रेंड्स मैं, ये पानी से भी टेस्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा, इसको मैं ढक दूंगी ताकि जो आलू है वो भाप में हो जाएंगे, और सब कुछ
काम कर लेती हूँ, आटे को मिक्सी लगा लेती हूँ और बर्तन भी धोने वाले पड़े हैं ये देखिए। तो ठीक है, जब तक ये हो रही है मैं आटा गूँ देती हूँ अच्छे से। ये हमारे हल हो गए हैं फ्रेंड्स, देखिए मैंने पानी नहीं डाला था, बाफ नहीं हुई और अब मैं डालूँगी बूंदी। ये हो गई हमारी बूंदी मटर और आलू प्याज की सब्जी तैयार। ये देखिए मैं इसको थोड़ी देर भाप में होने दूंगी, ढक दूंगी ताकि भाप में थोड़ी सॉफ्ट हो जाए बूंदी। तो इसको मैं ढक देती हूँ फ्रेंड्स ताकि ये थोड़ी हो जाए सॉफ्ट और फिर मैं मिलूंगी आपको थोड़ी देर में। अब मैं बर्तन हो गए हैं, आटा गूंदिया है, थोड़ा सा झाड़ू निकाल दूँ, अंदर बहुत मिट्टी मिट्टी और रखी है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लग चुकी है हमारी सिंपल सी इजी टू रेडी थाली जो कि जल्दी से बन गई है, जिसमें कि मैंने बताया मटर बूंदी और प्याज की सब्जी है और खीरा जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और ये वही अचार जो मैंने डाला था गाजर मूली और शलगम का और साथ में दो चपाती। तो अब हो गया खाने का टाइम, आप भी आ जाइए मेरे साथ खाने के लिए फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यार, मैं आपको प्यार भरी धन अंकार। हंसते रहो, वसते रहो, सदा खुश हो, अपना ध्यान रखो, अपने बुज़ुर्गों का ध्यान रखो क्योंकि घर में बुज़ुर्ग है तो रौनक है। और एक बात, वीडियो फुल 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 वॉच करो फ्रेंड्स ताकि पता लगे क्या है, ऐसे ही कमेंट मत करो। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन अंकार जी।